अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज मैं आई हूँ काशीज़, तो मैंने सोचा कि इधर आ ही रही हूँ तो व्लॉग कर लेती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ इनके ड्रेसेस, इनकी ज्वेलरी और इनका मेकअप। तो आप लोग पूरा व्लॉग देखिएगा मेरा एंड तक। सिर्फ यही ड्रेसेस नहीं है, अभी नीचे मैं जा रही हूँ, इनके इतने ज़्यादा और इतने प्यारे प्यारे ड्रेसेस हैं। खैर मुझे तारीफ़ करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हम सबको ही पता है कि इनके काशीज़ के ड्रेसेस बहुत बेस्ट होते हैं। और अब मैं नीचे आ गई हूँ और आप लोगों को मैं दिखाती हूँ इनके बहुत प्यारे प्यारे से ड्रेसेस। और ये मैं शरारा उठाने की कोशिश कर रही थी, ये इतना ज़्यादा हैवी था कि मुझसे उठ भी नहीं रहा था। लेकिन आप लोग ये देखें कि ये इस पर कितना ज़्यादा वर्क हुआ हुआ है और बहुत ही प्यारा और बहुत ही फिनिशिंग के साथ। यहाँ ऑलमोस्ट हर कलर आपको मिलेगा और बहुत ज़्यादा वैरायटी है। साथ साथ रहें, एंड तक देखें, आप लोग को बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ये मैं थोड़ा सा ही आगे आई तो मुझे यहाँ पे शरारे की शर्ट, ब्लाउज़, चोली जो भी कहते हैं वो दिखी और बहुत ही यूनिक थे यार। इतना मतलब इस पर काम हुआ हुआ था, बहुत ही मुझे पसंद आया ये लिटरली। और इधर आपको स्लीवलेस, हाफ स्लीव्स और फुल स्लीव की शर्ट दिखेंगी। ये मैं मिरर स्लाइडिंग खोलने की कोशिश कर रही थी और ये मुझसे खुल नहीं रहा था। मुझे इतना डर लग रहा था कहीं मैं तोड़ ना दूं क्योंकि मेरे हाथ से वैसे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें टूटती हैं, लेकिन अल्लाह अल्लाह करके ये खुल गया था। और जब मैंने खोला तो बस मेरा दिल आ गया था इन सब पर, क्योंकि सब के सब इतने हसीन और प्यारे थे कि दिल चाह रहा था कि मैं सब घर पर ले जाऊँ अपने। मुझे वाइट कलर का एक डिसेंट सा शरारा पसंद आया था। मैं सोच रही थी कि काश कोई दोस्त की या बहन की शादी हो तो इस तरह का कलर पहनूं मैं, क्योंकि मैं वाइट बहुत कम पहनती हूँ और ये वाइट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। भाई कोई प्लीज़ जल्दी शादी करे ताकि मैं तैयार श्यार हूँ। यहाँ पे इतने ज़्यादा प्यारे प्यारे ड्रेसेस हैं और मेरा दिल कर रहा है कि मैं एक कोई वेयर करूँ और सेलेक्ट करूँ कि कौन सा करूँ इन सब में ना। वैसे तो सब के सब अच्छे, मैं इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ कि मैं इसमें पहनूँ तो पहनूँ क्या, लेकिन मैं पहन के दिखाऊंगी आप लोगों को। 1, 2, 3 टडान। यार आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोगों को अभी सही से नहीं दिख रहा ना तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इतना प्यारा लग रहा है ना, मैंने खुद से मैच करा ये शरारा और इसका ये ब्लाउज और इतना खूबसूरत लग रही हूँ मैं। माशाल्लाह। अब मैं आप लोगों को घूम के दिखाती हूँ यहाँ पर इस तरह से। यार अगर आप लोग यहाँ पर आएंगे ना इनके बुटीक वाली साइड पे, आप लोगों को कोई ऐसा ड्रेस नहीं जो पसंद ना आए। सब के सब इतने ज़्यादा प्यारे, खासतौर पे कलर्स सब के सब बहुत पसंद आए मुझे। और मैं चाहूँगी कि आप लोग भी यहाँ पर आके विज़िट करें, और शादियाँ हैं या कोई भी इवेंट है तो आप लोग यहाँ से आके लाजमी कपड़े लेगा। अब बस अब मैं चेंज करूँगी, वापस जो पहन कर आई थी वही पहनूँगी क्योंकि अब मैं इसको पहन के तो घर जा नहीं सकती। मैं आई हूँ ज्वेलरी साइड पे ताकि अच्छी सी ज्वेलरी देखूँ उसके साथ की, तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ। रुकें। ये जो है आप लोगों को दिख रहा है इनका बैंगल सेक्शन है और मैंने इसे पसंद भी किया।
साथ वाइट कॉम्बिनेशन जैसा मेरा ड्रेस मैंने पसंद करा था उसके साथ का। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो मम्मा और मुझे पसंद आए, मुझे तो यह पसंद आया। और मम्मा कह रही है, मम्मा आपको कौन सा पसंद आया? ये वाला तो मुझे पसंद आया है, इतना ज़्यादा यूनिक नाम है। और मुझे ये वाला पसंद आया है। आप लोग कमेंट्स में बताएं कि मुझे कौन सा वाला लेना चाहिए, ये तो मुझे बहुत ज़्यादा बिक रहा है। यहाँ पर नेकलेसेस में आपको सिल्वर के साथ भी कलर्स दिखेंगे और तो और गोल्डन के साथ भी दिखेंगे, और आपके ऊपर भी डिपेंड करता है आप कैसा चाहते हैं। और यहाँ पे इयररिंग्स भी बहुत ज़्यादा प्यारे और वैरायटी में थे, और नेकलेसेस तो थे ही थे। फैमिली फंक्शन हो या फिर किसी दूर के रिश्तेदार की शादी, तो आप लोग इस तरह का पार्टी वेयर नेकलेस वेयर कर सकते हैं। और जब आप लोग इसको वेयर करेंगे तो लाजमी हर कोई तारीफ़ ही करेगा इसकी खूबसूरती देखकर। यहाँ पे सारे मेकअप प्रोडक्ट्स हैं, जो भी आप लोगों को लेना हो, इंटरेस्टेड हो मेकअप में तो आप लोग ले सकते हैं। मुझे तो खैर मेकअप का इतना पर्सनल शौक नहीं है, ठीक है, मुझे ऊपर जाना है। अब काशीस पे आई लैश एक्सटेंशन भी होती है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर आएँ, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में आपकी लैश एक्सटेंशन हो जाएंगी। और इसके अलावा परेशानी की कोई बात नहीं, मुझे भी लगता था कि अगर मैं लगवाऊँगी तो मेरी जो ओरिजिनल लैशेज है ना वो निकल जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये खुद ही कुछ टाइम बाद निकल जाती हैं। तो मैंने अभी एक डेढ़ घंटा पहले आई लैशेज एक्सटेंशंस करवाई हैं और मुझे इतनी प्यारी लग रही हैं, मैं इतनी चेंज भी लग रही हूँ। और हाँ, एक बात और, मैं इतनी देर में सो गई थी, मतलब मुझे कहीं भी सुला लें कहीं भी नींद आ जाती है, मुझे मतलब टैलेंट लेके आया। खैर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बहुत पसंद आ रही है और तो मेरा लुक चेंज हो गया बहुत ज़्यादा। अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करेगा और बताइए नेक्स्ट टाइम मैं क्या व्लॉग बनाऊं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।